गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई कनिका कमिट टू बी विजिलेंट एंड बेयर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कोलीग्स फ्रॉम कोविड 19. आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रोमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So students, let's start our topic, simple past tense. In our earlier assignment, we have done the simple present tense, and in this we will done the simple past tense. The simple past tense in English is used to describe an action that got over at a definite time in the past. जो simple past tense है English में वो use किया जाता है जब हम describe करते हैं कोई भी action को जो हम एक perfect definite time पे पास्ट में जो हमारा जो है वो हो चुका है. और इसके यूजेस क्या हैं? द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड, ये यूज्ड किया जाता है फॉर एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट. जो एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में. फॉर एग्जांपल, इट रेन्ड यस्टरडे. रेन्ड इज वी जस्ट टेक द सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस रेन, रेन्ड यस्टरडे. जो बारिश जो है वो हो चुकी है कल. आई वॉच्ड अ प्ले लास्ट संडे. मैंने एक प्ले देखा लास्ट संडे, पिछले संडे. जो हम पास्ट में जो है वो हो चुका है, जो ऑलरेडी डन है, ठीक है. इन सेकेंड, टू डिस्क्राइब अ पास्ट स्टेट. जब हमने डिस्क्राइब करना है किसी भी स्टेट को जो पास्ट में जो हो चुकी है. शी वॉज अ बैंकर. वो क्या है? वॉज लगा दिया हमने तो पास्ट फॉर्म होगी. वॉज अ बैंकर, वो एक बैंकर है. आई स्टडीड फ्रेंच When I was a kid, कि मैंने French study की थी जब मैं kid था, means जब मैं बच्चा था. To show a duration in the past, जब हमने कोई duration को show करना हो in the past, past में. For example, she studied French for 2 years, कि वो French study कर रहा है for 2 years, 2 सालों से. He talked over the phone for 30 minutes. वो पिछले आधे घंटे से, means 30 minutes से बात कर रहा है, talked, ठीक है. ये हो चुका है, means वो चल रहा है. Next, fourth one, to describe an action that was completed at a specific time in the past. हमने वो action को describe करना है जो complete हो चुका है एक specific time में. जो एक specific time, जो हमें time बताया गया है इन द पास्ट, वो पिछले साल हो सकता है, पिछले 2 दिन पहले पिछले हो सकते हैं, ठीक है. 1 ईयर हो सकते हैं, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, मीन्स कोई भी जो एक स्पेसिफिक टाइम जो उन्होंने हमें शो करके किया है कि 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 वीक्स, 2 वीक्स, 2 डेज, लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू पेरिस लास्ट ईयर. देखो उसने बोला आई वेंट, मैं पेरिस गया था कब? पिछले साल. शी स्टेड एट द बीच When I was visiting the seaside, कि वो बीच पे था जब मैं सी साइड पे था, ठीक है, स्टेड वहाँ पे रुके थे. So these are the simple uses of the simple past tense. Now let's start the table that how we can do this in the sentences. In the simple past tense, this tense is formed in the following ways. In affirmative. एफर्मेटिव में हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं एंड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. एफर्मेटिव सेंटेंसेस में वी पुट सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट, वी पुट सब्जेक्ट एंड डिड नॉट एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म. इन एफर्मेटिव वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकॉज देयर वी पुट डिड. विद डिड वी ऑलवेज पुट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब.
इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी पुट डिड इन द फ्रंट, क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में करना है. डिड प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और हम इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म जो है वो ही यूज़ करेंगे वर्ब की. नाउ स्टडी द फॉलोइंग चार्ट टू अंडरस्टैंड द सिंपल पास्ट टेंस. हमें ये चार्ट जो है वो फॉलो करना है, ये वाले जो रूल्स हैं इसको देख के, ठीक है. फर्स्ट पर्सन के लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर में है आई प्लेड क्रिकेट. आई सब्जेक्ट हो गया, प्लेड मीन्स सेकेंड फॉर्म लग गई क्रिकेट, ठीक है. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया. इन प्लूरल वी जस्ट इस कन्वर्ट दिस. आई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वुई में. वुई प्लेड क्रिकेट, वुई प्लेड क्रिकेट. इन नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, कि मैंने जो क्रिकेट है वो नहीं खेला. अब हमने डिड नॉट लगा दिया तो हमने प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी है. वुई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, प्लूरल में हमने इसको वुई डिड नॉट प्ले क्रिकेट कर दिया. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड हमने फर्स्ट मतलब क्वेश्चन फॉर्म में लगा दिया. आई प्ले क्रिकेट, डिड वुई प्ले क्रिकेट इन अ प्लूरल फॉर्म. नाउ फॉर द सेकेंड पर्सन के लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यू वर्क हार्ड. अब इसमें क्या लगा दिया हमने, यू वर्कड हार्ड, कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो. इसमें इसको प्लूरल करने में यू को यू में ही हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. यू वर्कड हार्ड. इन नेगेटिव यू डिड नॉट वर्क हार्ड, यू डिड नॉट वर्क हार्ड. इन इंटेरोगेटिव डिड यू वर्क हार्ड, डिड यू वर्क हार्ड. ये एज इट इज़ ऐसे ही रह जाते हैं. नाउ इन थर्ड पर्सन में हम ही शी इट इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. एफर्मेटिव सेंटेंस में ही लर्नड हिज लेसन. ही जो है ही को हम अब किस में कन्वर्ट कर देंगे इन प्लूरल में, दे लर्नड देयर लेसन्स. एंड इन नेगेटिव सेंटेंसेस इन थर्ड फॉर थर्ड पर्सन शी डिड नॉट लर्न हर लेसन, दे डिड नॉट लर्न देयर लेसन. इन इंटेरोगेटिव डिड ही लर्न हिज लेसन, तो अब इसको हम प्लूरल में क्या चेंज करेंगे, ही को हम दे में कन्वर्ट कर देंगे. डिड दे लर्न देयर लेसन. सो दिस इज द सिंपल चार्ट दैट यू हैव टू फॉलो दिस एंड यू हैव टू लर्न दिस एंड यू राइट डाउन दिस चार्ट इन योर नोटबुक ऑल्सो, बिकॉज विद दिस यू ईजिली लर्न द सिंपल पास्ट टेंस. ओके, नाउ कम टू योर बुक. इन दिस देयर इज़ अ वन टाइप ऑल्सो डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, राइट. डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, दिस इज जस्ट सेम एज अ इंटेरोगेटिव, बट वी जस्ट आई जस्ट एक्सप्लेन दिस डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, ठीक है. क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच, ऑक्सिलरी वर्ब डिड एंड सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लाइक दिस. वैन डब्ल्यू एच क्वेश्चंस आर वैन, वेयर, वाई, हु, whom, these are the WH questions. When did the cab arrive? Where did they play cricket? Why did you lie? So like this, we have to put these WH questions and with auxiliary verb, with subject and main verb and the rest of the sentences. So I hope that this simple past tense is clear to everybody. Thank you.